नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें एक मेल आया था कल ड्यू सोल की तरफ से, तो उस मेल का क्या मतलब था बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो गाइस, वो मैसेज इसलिए आया था, उसमें ये बताने के लिए उन्होंने मैसेज किया था, जैसे कि आपका मेल जो आपने दिया है मेल, वो मेल को मतलब अब चल रहा है वो मेल या नहीं चल रहा है, तो उन्होंने टेस्ट करके भेजा था हमें टेस्ट के नाम से, कि वो देख रहे थे कि मेल पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। वो किस तरीके का मेल था देखो मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे जाके और क्या था, ठीक है। तो चलते हैं ईमेल में, मतलब जीमेल में। तो मैं जीमेल पे आ गया हूं और आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चला है, मतलब अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है कि मतलब हमारे आया ही नहीं आया है, तो गाइस आप एक काम करो, अपने जीमेल में जाके चेक करो, आपको ज़रूर मैसेज आया होगा। तो जैसे मेरा ये रहा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेस्टिंग मेल फॉर OBE जून। जो मेल होता है, जो OBE का मतलब क्या होता है, कल मेरे से किसी ने पूछा OBE क्या होता है यार, मतलब हद है यार, सेकेंड ईयर में आ गए और यही नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ OBE का मतलब क्या होता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, मतलब बुक खोल के पेपर, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं ना उसी को OBE कहते हैं। तो आई थिंक कुछ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी पिछली बार कि जिनका अपलोड नहीं हो पाया था या लेट हो गया था, उन्होंने मेल पे भेजा था, या फिर इनका क्या फंडा, ये तो अभी मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने मैसेज क्यों किया। लेकिन इतना कह सकते हैं ये मेल एक टेस्टिंग पर्पस के वजह से आया, क्योंकि ये लोग चेक कर सके कि हमारा मेल चल रहा है या नहीं। गाइस अगर आप लोगों को ये सोच आ रहा होगा दिमाग में कि क्या कहते हैं कि हमने तो अपना मेल पहले बनाया था, उसका पासवर्ड भूल गए और जो मोबाइल नंबर डाला था वो खो गया, कुछ भी हुआ हो, तो गाइस मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं आप अपना मेल एंड पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइस उसमें आप फ्री रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, मतलब A to Z मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। गाइस कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर कुछ भी करते हैं ना तो एरर आ रहा है, तो गाइस मैंने उसमें एक वेबसाइट के बारे में बताया, उस वेबसाइट पर जाके आप आराम से कर सकते हो, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट नहीं है। हाँ है तो एक्सटर्नल एक तरह समझो, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, जैसे बिंग नाम का है वो, आप बिंग पे जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है लेकिन नीचे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी।